तो रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी का किया जिक्र। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी में पूरी तैयारी के साथ चुनाव में उतरेंगे। यूपी में मैंने 60 से ज्यादा रैली की है, मैंने मेरी रैलियों का जो चुनावी एजेंडा है वह सीधे तौर पर जीत की ओर ले जाएगा। तो ये असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि विधानसभा चुनावों में 100 सीटों के साथ वह लड़ेंगे, मेरी रैलियों का चुनाव का जो सिलसिला है वह पूर्ण रूप से तैयार हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको पहुंचा रहे हैं। यूपी में 100 सीटों पर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और साथ ही उनका कहना है कि हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने ये जानकारी दी, 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी है और 100 सीटों के साथ ही चुनाव में उतरेंगे। 60 से ज्यादा रैली की है उन्होंने यूपी में, और चुनाव का असर देखने को मिलेगा इन रैलियों में। तो ये रैलियां जो चुनावी रैलियां हैं AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने की है, और कहा है कि अब इन रैलियों का जो असर है वह विधानसभा चुनावों में जरूर देखने को मिलेगा, जनता उनको जरूर अपना आशीर्वाद देगी। तो इस वक्त की अब बड़ी जानकारी हम आपको पहुंचा रहे हैं, विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक है और ऐसे में सभी दल सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ हर दल अपनी जीत का दावा ठोक रहा है।